अच्छा जी, तो अब हम इसकी पहली टाइप को डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम होता है जनाब आपका मिनिमल चेंज डिजीज। मिनिमल चेंज डिजीज क्या होता है? मिनिमल चेंज डिजीज ये क्या है? देखिए जी, मिनिमल जो चेंज डिजीज होती है ये जनाब आपकी बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा होती है। इसके अंदर सबसे ज्यादा होती है बच्चों के अंदर। क्वेश्चन के अंदर जब भी ये स्टेटमेंट पूछी जाएगी, जो उम्र होगी क्वेश्चन के अंदर पूछी जाती है वो तकरीबन 3 to 4 ईयर्स पूछा जाता है। मतलब कैसा, अगर 3 to 4 ईयर्स मेंशन नहीं होगा तो वो कहेंगे कि एक चिल्ड्रन है उसकी ये कंडीशंस है, ठीक है। अब मिनिमल चेंज डिजीज के अंदर क्या होता है, जब हम बिल्कुल एनाटॉमी की तरफ आते हैं आपके किडनी की, तो किडनी की कुछ एनाटॉमी इस तरह की होती है कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर ये इस स्ट्रक्चर को मैं इस तरह बनाता हूँ, ठीक हो गया, इस तरह बनाता हूँ, तो यहाँ पर क्या होती है आपके एंडोथेलियल सेल्स होते हैं जो कि आपकी ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज बनाते हैं। जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज बना रहे होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। और अगर मैं इस स्ट्रक्चर को इस तरह लिखूं कि सबसे पहले एंडोथेलियल सेल्स, नंबर वन, नंबर टू ये क्या होती है आपकी ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, नंबर टू पर क्या होती है आपकी ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, नंबर थर्ड पर यहाँ पर आपका एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते होते हैं जनाब आपका एक तरह का पोडोसाइट्स। क्या कहा जाता है आपका? पोडोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है, पोडोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। और इनके दरमियान में जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते होते हैं फिल्ट्रेशन सिलीटर। यहां से फिर फ्लूड क्या होता है वो फिल्टर होकर कहां आता है आपका, यहां पर आता है और फिर यूरिन में आता है। ये फुल डिटेल के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी टू से कुछ बच्चे जो न्यू हैं उनकी वजह से मैं पूरे का पूरा टॉपिक शुरू में नहीं जा सकता, ठीक है। तो सिर्फ आपको अभी जो बात का पता होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपका अगर हम किडनी के स्ट्रक्चर को देखते हैं ना, तो किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर आपकी तीन मेन चीजें आती हैं ग्लोमेरुलस का, नेफ्रॉन का। कौन से सबसे पहले आपका जो आ रहे होते हैं वो होते हैं जनाब आपके कौन से, एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। सबसे पहले आपके एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, वो आपने इस तरह बनाया कि ये आपके क्या एंडोथेलियल सेल्स है, ठीक हो गया। जैसे ही एंडोथेलियल सेल्स आते हैं उसके बाद आपका एक स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते होते हैं जनाब इस तरह का, जिसको हम कहते होते हैं ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या होता है आपका? ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं जीबीएम, ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद आपका जो स्ट्रक्चर आता होता है नंबर थर्ड पर, उसको हम कहते होते हैं जनाब आपका यहां पर इस तरह का, जिसको हम कहते होते हैं पोडोसाइट्स। क्या कहते हैं आपका? पोडोसाइट्स। ये नॉर्मल इस तरह का, ठीक है। अब इस बात को गौर करना है मिनिमल चेंज डिजीज के अंदर पता क्या होता है। मिनिमल चेंज डिजीज के अंदर बेसिकली जो इश्यू होता है वो ये होता है कि आपके पोडोसाइट्स जो होते हैं उनकी इफेसमेंट हो जाती है। इफेसमेंट का मतलब क्या है? इफेसमेंट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल जब ये पोडोसाइट्स हम देखते हैं तो ये इस तरह हो जाते हैं। क्या होते हैं आपके? इस तरह हो जाते हैं। और जब ये पोडोसाइट्स आपके इस तरह हो जाएंगे मुकम्मल तौर पर, तो आपका जो फिल्ट्रेशन का जो ये बैरियर है ये खराब हो जाता है। जब ये फिल्ट्रेशन का बैरियर खराब होता है तो इसमें से जो प्रोटीन्स होती हैं वो इजीली गुजर सकती हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमल चेंज डिजीज के अंदर कौन सी प्रोटीन्स जो होती है वो इजीली यूरिन के अंदर आती है, तो आपने कहना है कि आपकी एल्ब्यूमिन आती होती है। कौन सी आती होती है? आपकी एल्ब्यूमिन आती है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होता है। नंबर टू, वो कहते हैं कि हाँ जी जनाब फॉर एग्जाम्पल मिनिमल चेंज डिजीज किस में होती है? आपने कहना बच्चों के अंदर होती है। उसके बाद वो पूछते हैं कि किडनी के अंदर किसको इशू होता है? आपने कहना कि पोडोसाइट्स की क्या होती है, एक तरह की इफेसमेंट होती है। लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि ये पोडोसाइट्स की इफेसमेंट है? जब तक हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर ना देखें हमें कुछ भी पता नहीं चलता। लाइट माइक्रोस्कोप से जब हम, फॉर एग्जांपल हम लाइट माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं तो हमें लाइट माइक्रोस्कोप पर हर चीज सही नजर आती है, हम कहते हैं कि बंदा बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर हमें लगता है कि यार एफेसमेंट हो चुकी है पोटोसाइट्स की, ठीक हो गया। यहां पर हम देखते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, इसके लिए हम एक टेस्ट करते होते हैं जिसको हम कहते हैं इम्यूनोफ्लोरिसेंस। क्या कहते हैं आपका? इम्यूनोफ्लोरिसेंस एक टेस्ट होता है जो कि बेसिकली यूज किया जाता है कि आपका यहां पर कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, क्योंकि इम्यून कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि किसी जगह पर एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो भी इसको खत्म करना शुरू कर देता है, तो वो इसमें क्या होता है एक तरह का नेगेटिव होता है, वो हमें नहीं मिलता। और इस मिनिमल चेंज डिजीज को एक और हम नाम से कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये लिपिड डिजीज है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो लिपिड्स होते हैं वो हमें मिलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो फीचर्स हैं मिनिमल चेंज डिजीज के वो कौन से हो गए? आपने कहना है कि मिनिमल जो चेंज डिजीज होती है वो बच्चों के अंदर सबसे कॉमन होती है, नंबर वन। नंबर टू आपने ये कहना है कि जो मिनिमल चेंज डिजीज होती है उसमें जनाब आपके इफेसमेंट हो जाती है आपके पोटोसाइट्स की। नंबर थर्ड आपने ये बात करनी है कि मिनिमल चेंज डिजीज के अंदर आपकी एल्ब्यूमिन हमें मिलती है। नंबर फोर आपने ये बात करनी है कि जो मिनिमल चेंज डिजीज होती है
इसमें लाइट माइक्रोस्कोप से जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं हमें बिल्कुल सही नजर आता है, अमीनो फ्लोरिसेंस में हमें कोई भी एक तरह का अम्यून कॉम्प्लेक्स नहीं नजर आता, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम जब देखते हैं तो वहां पर हमें एक पंगा मिलता है, मतलब कि फोटोसाइट्स की एफेसमेंट हो चुकी है, ठीक है। तो ये हम इसमें चीजें देखते हैं नंबर। और उसके बाद अगर पूछा जाता है कि ये कौन सी डिजीज है, आपने कहना कि इसमें लिपर्स होते हैं, तो ये लिपर्स वाली डिजीज है, ठीक है। तो ये बातें आपने, और एक इसके साथ कैंसर एसोसिएट होता है, उसको हम कहते होते हैं कि हॉजकिन लेम्फोमा। इसमें मेनली मेनली आपकी एल्ब्यूमिन होती है, गामा ग्लोबुलिन नहीं होती, मेनली आपकी एल्ब्यूमिन होती है, सिलेक्टिव यही होती है, ठीक है, मिनिमल चेंज डिजीज के अंदर। तो अभी तक आपको क्या पता होना चाहिए कि मिनिमल चेंज डिजीज जो होती है इसके अंदर जो फीचर्स अभी मैं बता रहा हूँ, ये बातें आपने लाजमी याद रखनी है। नंबर वन आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होता है, आपने कहना है कि ये जो डिजीज है वो जनाब आपके चिल्ड्रन के अंदर होती है। और अगर फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जनाब आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर जनाब आपका एक तरह का सिर्फ और सिर्फ मेनली आपकी एल्ब्यूमिन आती होती है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये कहना है कि ये जो डिजीज होती है इसके अंदर जनाब आपका एक तरह की अफेसमेंट हो जाती है, क्या होती है आपकी अफेसमेंट हो जाती है, नंबर टू। नंबर थर्ड पर आपने इसमें जो बात करनी है वो ये है कि इसके अंदर जनाब आपका एक तरह का मतलब के लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर कोई भी हमें अबनॉर्मेलिटी नजर नहीं आती। नंबर फोर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम जब देखते हैं तो इफेसमेंट नजर आती है, अम्यूनो फ्लोरिसेंस हमें नहीं मिलता, ठीक हो गया। उसके बाद हमने नंबर सिक्स पर जो बात करनी है वो लिपर्स हमें मिलते होते हैं, ठीक हो गया। और नंबर सेवन पर जो बात करनी है वो ये होती है कि हाँ जी जनाब ये क्या होती है, एक तरह की हॉजकिन लिम्फोमा के साथ एसोसिएट कर सकती है, और इसके साथ आइडियोपैथिक होती है, क्या होती है आपकी आइडियोपैथिक होती है, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि ये जनाब आपकी सिर्फ और सिर्फ हम एक तरह का हम इसमें क्या देते हैं, स्टीरॉइड्स देते हैं, स्टीरॉइड से काफी हद तक फर्क पड़ जाता है और बंदे ये ठीक रह जाते हैं स्टीरॉइड का। तो आपने कहना है ये स्टीरॉइड हम फिर इसमें ट्रीटमेंट में देते हैं, क्या ट्रीटमेंट क्या होता है आपका इसका, स्टीरॉइड होता है, स्टीरॉइड, ठीक है। अगर स्टीरॉइड जो होगा वो हम देंगे। इसके बाद आपकी एक और डिजीज होती है जिसको कहते हैं फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलो सेक्लेरोसिस, सॉरी फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलो सेक्लेरोसिस। कि ये क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलो सेक्लेरोसिस क्या होता है, इस बात को आप लोगों ने गौर करना है। अब बेसिकली ना फोकल ये वर्ड्स कितने हैं, वर्ड्स हैं ये तीन, एक वर्ड है फोकल, नंबर टू है सिगमेंटल, नंबर थर्ड क्या है ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जाम्पल ये एक तरह का नेफ्रॉन है, ये क्या आपका एक तरह का नेफ्रॉन है, ठीक है। इस नेफ्रॉन के अंदर फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह समझें कि यहां पर जो ग्लोमेरुलस है वो आपके पाए गए हैं, इस नेफ्रॉन के अंदर कोई 10 तरह के ग्लोमेरुलस है, या इस तरह समझे 5 ग्लोमेरुलस है, एक ये ग्लोमेरुलस है, ठीक हो गया, एक ये दो, एक ये तीन, एक ये चार, और ये एक पांच, ठीक है। अब इनमें से कितने आपके इन्वॉल्व हो जाएं, ग्लोमेरुलस में से कितने आपके ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व हो, उसको हम कहते होते हैं जनाब आपका एक तरह का फोकल, क्या कहते होते हैं आपका फोकल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 ग्लोमेरुलस है और 5 ग्लोमेरुलस में से अगर 3 इन्वॉल्व हो चुके हैं, 3 अफेक्टेड हो चुके हैं, तो उसको हम जो टर्म यूज करते हैं वो कहते होते हैं फोकल। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, ठीक हो गया। तो अब आपने पता क्या देखना है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेगमेंट है, ठीक है, 6 सेगमेंट है। और अगर तो फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर ये 3 सिर्फ और सिर्फ इन्वॉल्व हो और बाकी इन्वॉल्व ना, इसको हम कहते होते हैं फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलो सेक्लेरोसिस, क्या कहते हैं आपका सेगमेंटल, यानी कि सिर्फ एक सेगमेंट इन्वॉल्व है, 2 सेगमेंट इन्वॉल्व है। सबसे पहले हमने क्या देखना है, एक नेफ्रॉन है और उस नेफ्रॉन के अंदर समझे कि कोई 10 ग्लोमेरुलस है, और उस 10 ग्लोमेरुलस में से सिर्फ और सिर्फ 3 ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व हुई है, तो उसको हम कहते होते हैं जनाब आपका ये क्या है, फोकल है, ठीक है, फोकल। अब उस ग्लोमेरुलस के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4 सेगमेंट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल उसमें से कोई एक या 2 सेगमेंट्स इन्वॉल्व हो, तो उसको हम कहते हैं सिगमेंटल। सेक्लेरोसिस का मतलब ये होता है हार्ड हो जाना, सख्त हो जाना, तो इसके लिए हमने क्या टर्म यूज की, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलो सेक्लेरोसिस, ठीक है। तो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलो सेक्लेरोसिस क्या होता है, आपने कहना है कि एक किडनी के नेफ्रोन के अंदर जो कुछ अगर ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व हो उसको हम कहते हैं फोकल, और कुछ ग्लोमेरुलस के अंदर जो कुछ
कुछ सेगमेंट्स फिर इन्वॉल्व हो तो उसको हम कहते होते हैं जिनाब आपका एक तरह का सिगमेंटल, और अगर उनकी हार्डनिंग हो जाए तो उसको हम कहते होते हैं सेक्लेरोसिस। ठीक है, तो इसका टोटल जो बना वो क्या बना, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलो सेक्लेरोसिस। ठीक है, तो अब हम आते हैं आगे के इसके अंदर क्या होता है। देखें जी, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलो सेक्लेरोसिस के अंदर जो आप लोगों ने बातें याद करनी है वो ये है कि आपका ये अडल्ट के अंदर अफ्रीकन और अमेरिकन के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन ये डिजीज होती है। बच्चों के अंदर कौन सी सबसे ज्यादा होती है, मिनिमल चेंज डिजीज। अमेरिका के अफ्रीकन, अमेरिका के अंदर जो अफ्रीकन जो होते हैं, जो अमेरिका के अंदर लोग रह रहे हैं, उसके अंदर सबसे मोस्ट कॉमन डिजीज कौन सी है, ये वाली, कौन सी, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसक्लेरोसिस। तो आपने कहना है कि आपकी एक तरह की अफ्रीकन अमेरिकन, उसके बाद आपने कहना है कि आपके हिस्पैनिक्स, ये जो बंदे होते हैं इनमें सबसे ज्यादा डिजीज होती है वो ये होती है अडल्ट के अंदर। ठीक है, ये वाली होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल कॉज पूछा जाए कि भाई ये डिजीज क्यों होती है, तो मोस्ट प्रोबेबल कॉज ये होता है, ये आइडियोपैथिक होती है। इसके कॉज को कुछ पता ही नहीं होता, इसके कॉज का को कोई पता नहीं होता कि ये हुई क्यों है। तो आपने कहना है ये क्या होती है, आपकी आइडियोपैथिक होती है। ठीक है, आपने कहना है कि ये जो डिजीज है वो क्या है, आपकी आइडियोपैथिक। नंबर टू दूसरी की तरफ आ जाते हैं कि इसके और कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं। इसके जो और कॉजेस हो सकते हैं, एक बंदा जो हीरोइन यूज करता हो, ये इस तरह क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन पूछा जाता है प्लेब के अंदर, ये मोस्टली क्वेश्चन आता है कि एक बंदा है उसकी हिस्ट्री है वो हीरोइन अब यूज कर रहा होता है, और उसके बाद वो किडनी के साथ रिप्रेजेंट करता है, किडनी के इन्फेक्शन के साथ, और किडनी की उसको इन्फेक्शन होती है, इसको मोस्ट प्रोबेबल जो काज होगा, वो जो इन्फेक्शन होगी वो कौन सी हो सकती है। तो आपने कहना फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसक्लेरोसिस। अगर हिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि एक बंदा है वो हीरोइन यूज करता है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाए, और उसके बाद पूछा जाए कि हां जी जनाब इसको किडनी की कौन सी डिजीज हो सकती है, तो आपने जिस पर जाना है वो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसक्लेरोसिस होना चाहिए। ठीक है, वो कौन सी होनी चाहिए, आपकी फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसक्लेरोसिस, किसकी वजह से, अगर आप हीरोइन यूज करते हो, नंबर वन। उसके बाद क्या, एचआईवी की वजह से हो सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को एचआईवी है, ठीक हो गया, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे को सिकल सेल डिजीज है, बच्चा जिसको सिकल सेल डिजीज हो उसकी, उसको भी ये हो सकता है। ठीक है, तो मेन ये चीजें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखें हम इसके लिए भी टेस्ट करेंगे। इसमें मैंने कोई ऐसी कोई बात की कि हाँ जी जनाब इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है, मैंने कोई ऐसी बात की अभी तक इसके अंदर, कभी कोई मैंने ऐसी बात की हो कि जनाब इसके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है? तो एंटीजन अगर एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स नहीं बनता तो जो अम्यूनोफ्लोरिसेंस होगा क्या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? शाबाश, जब आप अम्यूनोफ्लोरिसेंस को देखेंगे तो क्या हमें ये मिलेगा, आपका नेगेटिव मिलेगा। तो आपने कहना है अम्यूनोफ्लोरिसेंस क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम क्या देखते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हमें एक तरह की सेक्लेरोसिस नजर आती है, क्या मिले हमें नजर आती है, एक तरह की हार्डनिंग नजर आती है ग्लोमेरुलस की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हमें इफेसमेंट नजर आती है, जैसा कि हमें उधर नजर आती थी, हमें उधर भी इफेसमेंट नजर आती थी, हमें इधर भी इफेसमेंट नजर आती है। और इफेसमेंट क्या होता है ये आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, और आप लोगों को पता होता होगा कि इफेसमेंट क्या, कि हमें क्या नजर आती है, आपकी इफेसमेंट नजर आती है। उसके बाद आगे आता है कि हाँ जी जनाब इसकी सारे सिम्टम्स मोस्टली आपके मिनिमल चेंज डिजीज की तरह मिलते हैं, मिनिमल चेंज डिजीज की तरह मिलते हैं मोस्टली। ठीक है, लेकिन फर्क क्या होता है, ये डिजीज मोस्टली अडल्ट के अंदर होती है, ये डिजीज मोस्टली हिस्पैनिक्स और अफ्रीकन अमेरिकन के अंदर होती है, ये डिजीज जो होती है इसमें सेक्लेरोसिस हो जाती है। आप लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो, वहां पर आप लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ नहीं देखते, वहां पर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों के अंदर आप इफेसमेंट देखते हो, और जब इफेसमेंट होगी तो आपकी क्योंकि प्रोटीन यूरिया होगा और मोर देन 3.5 ग्राम पर डे होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देखते हो। इसके जो कॉजेज है वो क्या है, इसकी हीरोइन हो सकता है, एचआईवी हो सकता है, सिकल सेल डिजीज हो सकता है। उसका जो कॉज था वो क्या था, उसका कॉज हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल हॉजकिन लिम्फोमा के साथ एसोसिएट कर सकता था। ठीक हो गया, आइडियोपैथिक, इसका भी मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो कहता है आपका आइडियोपैथिक होता है। लेकिन हमें ये हमें पता कैसे चला गया कि यार ये फोकल है वो दूसरी है, तो मोस्ट जो कॉज का पता चलता होता है वो हमेशा बायोप्सी करवाते होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल नेफ्रोटिक सिंड्रोम का डायग्नोस किसी भी जगह पर पूछा जाए कि इसका परफेक्ट डायग्नोस के लिए हमें कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए कि वाकई ये कौन सी डिजीज है, तो आपने कहना है बायोप्सी। बायोप्सी के अंदर आपको पता चलता है कि हाँ जी जना पंगा क्या है, कौन सी चीज है, क्या इश्यू है, क्या किस तरह है, तो आपने कहना है कि फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसक्लेरोसिस। इसका जो मेन डायग्नोस होता है वो कहते हैं आपका एक का, मतलब कि आपने करवानी होती है बायोप्सी करवानी होती है। ठीक है, और ये डिजीज अगर यंग के अंदर होगी ना तो यंग को पता नहीं चलता मोस्टली, बंदा बिल्कुल ठीक होता है, बंदे को इतना इशू नहीं होता, बंदा यूरिन बिल्कुल सही करता है और उसके बाद उसको इतना खास पता नहीं होता, लेकिन अचानक ही उसका डायग्नोज हो जाता है, एक तो ये कॉज होता है। या फिर इस तरह होता है कि फॉर एग्जाम्पल उस बेचारे को तब तब पता चलता है जब उसका एंड स्टेज आ जाए, जब उसको डायलिसिस की बात करनी पड़े, उसके वक्त उसको पता नहीं चलता। तो ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है,
जब डॉक्टर्स होते हैं ना, वो इसकी दो तीन चीजें करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इसके ट्रीटमेंट का एक टेबल बैठता है या जो भी हिसाब होता है. जब कोई किसी बंदे को फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होती है, तो यहाँ पर डॉक्टर्स मिलकर आपस में बात करते हैं. वो एक तरह की थेरापी यूज करते हैं. सबसे पहले जो थेरापी यूज करते हैं वो स्टीरॉयड पर लेकर आते हैं बच्चे को. वो कहते हैं इस बच्चे के ऊपर हम एक तरह के स्टीरॉयड यूज करवाते हैं, अगर तो स्टीरॉयड से कुछ हद तक बेहतरी होती है तो हम कंटिन्यू करते हैं. स्टीरॉयड यूज करवाए, स्टीरॉयड से अगर उसको फायदा नहीं हो रहा तो फिर उसको हम यूज करवाते हैं. डॉक्टर्स जो होते हैं वो अम्यूनो सुप्रेसेंट करवाते होते हैं, ठीक हो गया, अम्यूनो सुप्रेशन जो ड्रग्स होती हैं वो यूज करवाते हैं. अगर उससे भी फर्क नहीं हो रहा तो नंबर थर्ड पर जो आपके डॉक्टर्स होते हैं वो आपको कहते हैं कि भाईजन आपका किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, ठीक है, तो आपका डायलिसिस, ये वो किडनी ट्रांसप्लांट मतलब कि ये वाला ट्रीटमेंट में आपने कहना है एक तरह आपके स्टीरॉयड्स. दूसरे नंबर पर आपने जो कहना है वो आपने ये बात करनी है कि हाँ जी जनाब, इसमें स्टीरॉयड के साथ आप जो चीजें यूज करते हो वो आपके अमीनो सप्लीमेंट्स होते हैं. उसके बाद नंबर थर्ड आपने जो बात करनी है वो कहना है कि आपका किडनी ट्रांसप्लांट या फिर क्या होती है एक तरह का डायलिसिस, ये वाला सीन चलता है. तो ये कौन सी डिजीज थी आपकी? फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेक्रोसिस. नेक्स्ट जो डिजीज हम डिस्कस करने लगे हैं वो है जिसके अंदर आपका अम्यून कम्प्लेक्स बनता होगा. और एक बात मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, जिसमें भी लफज मेम्ब्रेनो आ जाए, जिसमें भी लफज मेम्ब्रेनो आ जाए उसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता होगा. ये बात आप अपने माइंड में रख लें. अगर कोई भी ऐसी डिजीज आप पढ़ते हो जिसमें वर्ड मेम्ब्रेनो आ रहा है, तो आपने कहना है कि इसमें जनाब आपका क्या बनेगा, आपका एक तरह का अम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है. तो अब हम आते हैं कि वो डिजीज क्या है और उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है. यहां तक किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, वरना हम नेक्स्ट कैरी ऑन करते हैं. शाबाश. अच्छा जी,